हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो हमने पिछले लेक्चर में बबल सॉर्ट देखा था, आज हम सिलेक्शन सॉर्ट को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द सिलेक्शन सॉर्ट मे बी डिफाइंड एज अनदर एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग द लिस्ट इन विच द एरे इज बाइफरकेटेड इनटू टू एरेज where the first array is supposed to be empty while the second array consists of an unsorted list of values. Selection array kya hai? Ek another algorithm hai. Jisme kya hoga? Hamare paas do array honge. First array empty hoga. Second array ke andar hamari unsorted list of values honge. Matlab second array hoga hamara jo unsorted hoga, first empty hoga. तो क्या कैसे चलेगा ये? द प्रोग्राम सर्चेज फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेकेंड एरे एंड वेन द वैल्यू इज फाउंड इट हैज़ बीन मूव टू द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट एरे दैट वॉज एम्प्टी। क्या करेगा? सेकेंड एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करेगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट एरे जो हमारा एम्प्टी एरे है उसमें डाल देगा वो सबसे छोटी वैल्यू। ऐसे ही वो करता जाएगा, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज देखता जाएगा और फर्स्ट वैल्यू को एंड फर्स्ट एरे में एंटर करता जाएगा। तो सेकेंड एरे ऐसे क्या होगा, खाली हो जाएगा। यही बोला इसने, द अप्रोच इज रिपीटेड अगेन एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी शिफ्टेड टू द सेकेंड इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे। द प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल द सेकेंड एरे बिकम एम्प्टी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, समझ के और अच्छे से देखते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये एरे है एक, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट पास किया, फर्स्ट पास में क्या चेक करेगा वो? सभी को चेक करेगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना वो सबसे आगे ले आएगा ये। अब क्या है देखो, इसको इसने चेक किया 64, 25, 12, 11, 12, 22, 11। इसको पता चला 11 बहुत छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू 11 है। तो क्या किया इसने, 11 को सबसे पहले ले आया ये। देखो नेक्स्ट एरे, नेक्स्ट आइट्रेशन उसमें 11 को सबसे पहले ले आया। अब क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा 25, 12, 22, 64। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू उसको क्या मिलेगी, 12 मिलेगी। तो 25 की जगह 12 को रिप्लेस कर देगा। देखो फॉर द सेकेंड पोजिशन वेयर 25 इज प्रेजेंट अगेन ट्रांसफर्स द रेस्ट ऑफ द एरे इन अ सिक्वेंशियल मैनर। हो गया ऐसे ही वो चेक करता जाएगा। अब जैसे हमारा यहाँ पे 12 आ गया, अब 25, 22 और 64 में से चेक करेगा तो 22 स्मॉल है, 22 आ जाएगा उस पोजीशन पर। अब इसमें 25 और 64 में चेक करेगा, 25 ही स्मॉल है तो ऐसे कैसे रहेगा, 64 तो बिगेस्ट एलिमेंट वहाँ चला ही जाएगा। तो इसकी अप्रोच क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एरे के अंदर उसको सबसे पहले उठा के लाना। ठीक है, इसकी अप्रोच समझ में आई। अब फिफ्थ पास में क्या हुआ कि सारे अपनी सही पोजीशन पे हैं, मतलब हमें एरे सॉर्टेड मिल गया। थोड़ा अच्छे से समझ आया या नहीं? इसके आगे इसका कोड है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इसकी वर्किंग ही समझ लो। इसकी शायद बबल सॉर्ट से थोड़ी इजी वर्किंग है ऐसा मुझे लगता है, बाकी मुझे लग रहा है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, या जैसे आपको सही लगे वैसे पूछ लेना उस डाउट को, बट डाउट्स क्लियर करना, इनमें डाउट्स मत रखना। डाउट्स रखोगे पूरी आगे जितनी भी लैंग्वेजेस सीखोगे उसमें डाउट ही बना रह जाएगा। वो डाउट्स को अपने क्लियर ज़रूर करना। आज यह लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।